64वें महामुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम की शानदार जीत के बाद प्लेऑफ का समीकरण हुआ थे। ये चार टीमें पहुंचेगी प्लेऑफ में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2023 के 64वें महामुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पंजाब किंग्स की टीम को हरा कर ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है और इसी मुकाबले के बाद अब प्लेऑफ का समीकरण भी तय हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इस मुकाबले के बाद प्लेऑफ का क्या हाल है, कौन सी टीमें इस बार प्लेऑफ में अपनी जगह बनाएगी, प्लेऑफ का पूरा समीकरण हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो का आखिर तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे। अगर आप भी आज के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम की शानदार जीत के साथ खुश है और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीमें इस बार प्लेऑफ में पहुंचे तो दोस्तों हम बात करें सबसे पहले यहां पर पॉइंट्स टेबल के हाल के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे प्लेऑफ के पूरे समीकरण के बारे में। तो फिलहाल पॉइंट टेबल के आखिरी पायदान से ही हम बात करें तो आखिरी पायदान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है, जहाँ पर हैदराबाद की टीम प्लेऑफ के समीकरण से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है क्योंकि इस टीम ने 12 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबले जीते हैं, 8 मुकाबले हारे हैं। इस टीम के नेट एंड रेड है -0.575 और 8 अंकों के साथ ये टीम फिलहाल नंबर 10 पर मौजूद है। तो वहीं पर नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने शानदार तरीके से मुकाबला जीता है लेकिन यह टीम प्लेऑफ से भी बाहर हो चुकी है क्योंकि इस टीम ने 13 मुकाबले खेले हैं, 5 जीते हैं, 8 हारे हैं। इस टीम के पास 10 पॉइंट है, नेट हंड्रेड है -0.572 के साथ ये टीम नंबर 9 पर मौजूद है। तो वहीं पर नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 पर पंजाब किंग्स है, जहां पर पंजाब किंग्स की टीम ने 13 मुकाबले खेले हैं, 6 मुकाबले जीते हैं, 7 मुकाबले हारे हैं। इस टीम के पास 12 पॉइंट है, नेट हंड्रेड है -0.268 के साथ ये टीम नंबर 8 पर मौजूद है और यह टीम भी लगभग प्लेऑफ से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। तो वहीं पर नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पर कोलकाता नाइट राइडर्स है, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 13 मुकाबले खेले हैं, 6 जीते हैं, 7 हारे हैं। इस टीम के पास 12 पॉइंट है, नेट हंड्रेड है -0.256 के साथ ये टीम नंबर 7 पर मौजूद है और ये टीम भी लगभग प्लेऑफ से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। तो वहीं पर नंबर 5-6 की बात करें तो नंबर 6 पर राजस्थान रॉयल्स है, जहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 13 मुकाबले खेले हैं, 6 जीते हैं, 7 हारे हैं। इस टीम के पास 12 पॉइंट है, नेट हंड्रेड है +0.140 के साथ ये टीम नंबर 6 पर मौजूद है और ये टीम भी लगभग प्लेऑफ से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। तो वहीं पर नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मौजूद है, जहाँ पर बेंगलोर की टीम ने 12 मुकाबले खेले हैं, 6 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबले हारे हैं। इस टीम के पास 12 पॉइंट है, नेट हंड्रेड है +0.167 के साथ ये टीम फिलहाल नंबर 5 पर मौजूद है और इस टीम के पास अभी भी अच्छा खासा मौका है कि ये टीम शानदार परफॉर्मेंस करके प्लेऑफ में अपनी जगह बना सकती है। तो वहीं पर टॉप 4 टीमों की बात करें तो फिलहाल नंबर 4 पर मुंबई इंडियंस है, जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने 13 मुकाबले खेले हैं, 7 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबले हारे हैं। इस टीम के पास 14 पॉइंट है, नेट हंड्रेड है -0.128 के साथ ये टीम नंबर 4 पर मौजूद है और इस टीम को अपना आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतना है तभी ये टीम क्वालिफाई में पहुँच पाएगी। तो वहीं पर नंबर 3 पर लखनऊ सुपर जेंट्स है, जहाँ पर लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम ने 13 मुकाबले खेले हैं, 7 जीते हैं, 5 हारे हैं। इस टीम की नेट हंड्रेड है +0.304 और 15.2 के साथ ये टीम फिलहाल नंबर 3 पर मौजूद है और इस टीम को भी अब अपना आखिरी मुकाबला बेहतरीन तरीके से जीतना है। तो वहीं पर नंबर 2 पर चेन्नई सुपर किंग्स है, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 13 मुकाबले खेले हैं, 7 मुकाबले जीते हैं, 5 मुकाबले हारे हैं। इस टीम के पास 15 पॉइंट है और नेट हंड्रेड है +0.381 के साथ ये टीम नंबर 2 पर मौजूद है और इस टीम को भी अब अपना आखिरी मुकाबला बेहतरीन तरीके से जीतना है। तो वहीं पर नंबर 1 पर गुजरात टाइटेंस है, जहां पर गुजरात टाइटेंस की टीम ने 13 मुकाबले खेले हैं, 9 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबले हारे हैं। इस टीम के पास 18 पॉइंट है, नेट हंड्रेड है +0.835 के साथ ये टीम नंबर 1 पर मौजूद है और यह टीम क्वालिफाई में अपनी जगह बना चुकी है। तो दोस्तों, क्या लगता है कि इस बार कौन सी टॉप 4 टीमें रहेगी जो आपके हिसाब से प्लेऑफ का मुकाबला खेलने पहुंचेगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।